प्यारे सासंग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहिए जी धन निरंकार जी। सासंग जी आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भगवान मदद कैसे करते हैं। सासंग जी एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक भी था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारे जांच करवाए गए, पर उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार नहीं और बेचैनी भी कम नहीं हो रहा था। वह रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वह घर से बहुत दूर निकल गया था और थकान की वजह से वह एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर लेकर भागने लगा। सेठ ने देखा तो दूसरी चप्पल लेकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसे उसके पीछे ही जा रहा था, तो सेठ के करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वह और करीब गया तो उसे एक झोपड़ी में से आवाज सुनाई दे रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे को हटाकर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर ओढ़ी दीवार से सट कर रो रही थी और यह बोल रही थी कि हे भगवान मेरी मदद कर, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना समझ ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है, मुझे जानना चाहिए। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ दरवाजा पे जाकर उस दरवाजा को खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो उस औरत ने उस दरवाजा को खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम घबराओ नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि आप क्यों रो रही हो और आपको क्या हुआ है। तो वह औरत के आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गोदड़ी में लिपटी हुई उसकी 8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए मेरे पास खर्चा नहीं है। मैं कैसे भी झाड़ू पोछा करके अपना पेट पाल लेती हूँ, लेकिन इसकी इलाज के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी। तो सेठ ने कहा तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया है, किसी ने भी मुझे मदद करने को नहीं कहा। तो सेठ ने कहा, क्या इस रात को रोने से आपको पैसा मिल जाएगा। तो औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछा कर बैठ जाओ और रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे मदद मांगो, वह सबकी सुनता है और तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे ही मांग रही थी, और वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और इसका इलाज कराया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह भी दे दी और उस लड़की की पढ़ाई लिखाई का भी जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक भी था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह सोच रहा था कि आखिर
कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच ले आई है? क्या यही ईश्वर हैं? और यदि ईश्वर हैं तो सारा संसार आपस में धर्म जाति के लिए क्यों लड़ रहा है? क्यों? क्योंकि न मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब शेर समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। मानव और प्राणी सेवा का धर्म ही असली इबादत या भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा या रहमत पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सबकी मदद करो जो लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहते हैं। बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।